हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पढ़ाई। आज है अक्टूबर 20 और डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर 20 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कला संस्कृति विकास योजना इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्यूरो, उन्होंने एक योजना स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया है कला संस्कृति विकास योजना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनेस्को? ऑप्शन आर इंदिरा मणि पांडे, गजेंद्रा श्री जावेद, विशाल वी शर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, विशाल वी शर्मा। ये हैं विशाल वी शर्मा, जिनको बनाया गया है यूनेस्को का परमानेंट एम्बेसडर इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट टेक थॉन 2020 वाज ऑर्गेनाइज बाय विच कंपनी? ऑप्शंस आर IEEE, ओरेकल, NIC, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर गवर्नमेंट टेक थॉन 2020 का ऑर्गेनाइजेशन किया है। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और IEEE कंप्यूटर सोसाइटी और ओरेकल, इन तीनों ने मिलकर गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 का ऑर्गेनाइजेशन किया है। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। माई टाउन माई प्राइड इज द स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गवर्नेंस टू द डोर स्टेप इन अर्बन एरियाज? ऑप्शन आर जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, गोवा, चंडीगढ़। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है माई टाउन माई प्राइड। इंडिया एंड विच कंट्री नेवी टू कैरी आउट 3-डे मिलिट्री ड्रिल? ऑप्शन आर श्रीलंका, चाइना, जापान, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है श्रीलंका, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में 8वीं एडिशन यानी 8th एडिशन का एनुअल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ है ये? 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में चलेगा। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर है 20 अक्टूबर। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय राज्यपाल, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। इसका आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चारबाहा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर ईरान, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। दोस्तों, चारबाहा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया की नज़र से। ये इंडिया बना रहा है कहाँ पे? ईरान में। ईट राइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस आर UN, WHO, FASI, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है FASI। तो FASI ने लॉन्च किया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों, FASI ने लॉन्च किया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या होगा कि लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जाएगा और उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाएगा, ताकि डिजीज से लोगों की रक्षा की जा सके। द BP कोलंबो स्पेस क्राफ्ट हैज बीन लॉन्च टू स्टडी विच प्लैनेट? ऑप्शंस आर मरकरी, मार्स, वीनस, नॉन ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मरकरी। BP एयरक्राफ्ट वाज लॉन्च ऑन एरियल 5 रॉकेट विल अराइव मरकरी इन 2025। दोस्तों, ये BP एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है जो कि मरकरी तक पहुंचेगा 2025 तक। और इसका काम क्या होएगा
मरकरी की स्टडी करना, यानी मरकरी के बारे में जानना। दोस्तों, समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।